सूर्य जो धरती पर जीवन का आधार है, यह धरती से दिखने में जितना शांत लगता है उससे कहीं ज्यादा हलचल इसके सरफेस पर हर समय होती रहती है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत सूर्य पर बनने वाले ब्लैक स्पॉट का निर्माण बंद हो गया है और सन बिल्कुल स्थिर हो गया है, जिससे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले 5 महीनों में सूर्य में कोई भी नया सन स्पॉट दिखाई नहीं दिया है। यही सन स्पॉट सूर्य को गर्म बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी एब्सेंस में सूर्य ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में धरती पर भीषण ठंड का दौर लौट सकता है। ऐसी घटना पहले भी सन 1790 से 1830 के बीच हो चुकी थी, जिस दौरान सोलर मिनिमम का असर सबसे ज़्यादा देखा गया। यूरोप में तापमान इतना ज़्यादा गिर गया था कि टेम्स नदी पूरी तरह जम गई थी। जुलाई अगस्त के महीने में भारी बर्फबारी होती थी। फसलें खराब होने से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। अनाज की कमी की वजह से दंगे होने लगे थे। कई महीनों तक सूर्य दिखाई ही नहीं देता था। इस स्थिति को डाल्टन मिनिमम का नाम दिया गया था। इसके कारण केवल ठंड ही नहीं बल्कि कई दूसरे तरह की प्रलय का सामना भी धरती को करना पड़ता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से सौर मंडल के दूसरे हिस्सों से कॉस्मिक किरणें धरती पर आने लगती है, जिससे पृथ्वी के भूगर्भ में बदलाव आने लगते हैं और ये एक ज्वालामुखी विस्फोट का कारण भी बनते हैं। ऐसा ही ज्वालामुखी विस्फोट 200 साल पहले हुए सोलर मिनिमम के दौरान 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टम्बोरा में हुआ था, जिसकी वजह से 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई हफ्तों तक राख और धुएं ने आसमान को ढक लिया था और बड़ी मात्रा में फसलों की बर्बादी हुई थी। इस बार भी नासा के वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस बार का सोलर मिनिमम भी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि इस बार भी सन स्पॉट की संख्या बेहद कम हो गई है और शायद डाल्टन मिनिमम जैसी घटना फिर हो सकती है और धरती को कई हिस्सों में भूकंप और सूखे की स्थिति भी बन सकती है। इससे सबसे ज़्यादा खतरा डेवलप कंट्री को है, जहां ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस में ठंड के आम दिनों में ही तापमान माइनस में चला जाता है। यूरोप के ज़्यादातर देशों में भी यही स्थिति रहती है। यानी अगर सूर्य का तापमान में गिरावट होता है तो अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में सर्दियां लंबी और जानलेवा हो जाएगी। सोलर मिनिमम से दुनिया का हर विकसित देश प्रभावित होने वाला है, लेकिन इक्वेटर के पास बसे उष्णकटिबंधीय देशों में इसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धरती के बीचों बीच होने के कारण इन देशों में पहले से ही भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में भारत और अफ्रीका जैसे देशों पर इसका विपरीत असर होगा और मौसम सुहाना हो जाएगा, बट हो सकता है कि सर्दियां थोड़ी लंबी हो जाए। लेकिन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक प्राकृतिक चक्र है और सूर्य की सतह पर हर 11 साल में ऐसी घटना होती है और कुछ दिनों में सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड अपने पुराने रूप में आ जाएगा। वेल, इसका पता तो आने वाले कुछ महीनों में ही चलेगा।